गाइज आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 3 वीक्स चैलेंज किस चीज का, अपने ब्रेस्ट को अपलिफ्ट करने का, या अगर आपकी ओवर साइज है या फिर अगर आप अच्छे से उसकी फुलर शेप देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये एक्सरसाइजेस फॉलो करनी चाहिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जो आप मुझसे कमेंट में रेगुलरली पूछते हैं, क्या कि वही वर्कआउट इंक्रीज करने के लिए भी है, वही वर्कआउट आप डिक्रीज करने के लिए भी बोलते हो? एग्जैक्टली वर्कआउट सेम होता है लेकिन वो हमारे बॉडी के पार्ट पर उस तरह से इफेक्ट करता है जिस तरह से हम डाइट ले रहे हैं। अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप अपनी डाइट में से जितने भी कार्ब्स जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, घर के कार्ब्स के अलावा जो बाहर के एक्स्ट्रा ले रहे हैं, चंकिंग कर रहे हैं, मतलब जो भी आप स्नैक्स ले रहे हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट ले रहे हैं, उसको आपने कट ऑफ करना है। वहीं अगर आप अपनी शेप को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको गुड कार्ब्स लेने हैं। गुड कार्ब्स का मतलब आपको हेल्दी डाइट इनटेक करनी है। आपके बेसिकली एक्सरसाइज क्या करती है, बॉडी पार्ट को एक अच्छा शेप देती है, टोन शेप देती है। तो वर्कआउट सेम होता है और ट्रस्ट मी, अगर आपको रिड्यूस करना है या फिर इंक्रीज करना है, ये वर्कआउट डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। अगर आपकी डिलीवरी के बाद भी ब्रेस्ट बहुत ज्यादा सैग हो गई है तो इससे अपलिफ्ट भी हो जाएगी, लेकिन आपको पेशेंस रखने होंगे और 3 वीक्स तक रेगुलर इन एक्सरसाइजेस को मेरे बताए हुए तरीके से फॉलो करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। अब बारी आती है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए ठीक है आपको क्या करना है, स्लाइटली अपना बॉडी को बेंड करना है, हैंड्स आपका एक हैंड यहाँ रहेगा, अदर हैंड आपने इस तरीके से उस पर टच करना है, देन बैक साइड पे लेके जाना है। आप देख रहे हैं इससे आपका पूरा ब्रेस्ट पे स्ट्रेच पड़ रहा है। 20 times ईच साइड 4 सेट, मतलब 80 बार आपको एक तरफ रिपीट करना है राइट साइड, 80 times आपको करना है लेफ्ट साइड। मेक श्योर कि इस एक्सरसाइज में आप अपने कोर को एंगेज भी करें जिससे आपको वहां पे भी अच्छा रिजल्ट मिले। डन। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, इस तरीके से हैंड को लॉक करेंगे अपसाइड डाउन 20 times 4 sets। रिलैक्स। तो यहां पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने इस तरीके से फिंगर्स को लॉक करना है, देन एल्बो को इस तरीके से ज्वाइन करना है, देन अपसाइड डाउन अपसाइड, ठीक है, टैप करना है दोनों एल्बोज को 20 times 4 sets। रिलैक्स। तो यहाँ पर आपके ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने दोनों जो एल्बोज हैं उनको आपने टैप करना है लाइक दिस, ठीक है, 20 times 4 set। जब आप इसको टैप करेंगे तो पूरा इफेक्ट आपको मसल कहाँ पर एंगेज हो रहा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपके जो ब्रेस्ट एरिया पे आपको प्रॉपर मसल एंगेजमेंट फील होगा सारी एक्सरसाइजेस में, इसके लिए नहीं बोल रही हूँ। रिलैक्स। आपके माइंड में एक और क्वेश्चन क्लिक करता है बहुत बारी, मेरे चैनल पर आने वाली कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं, वर्कआउट करना है आपको कभी भी करें, बस खाना खाने के 2 hours बाद करें, और मैं आपको प्रेफर करूंगी कि खाली पेट वर्कआउट नहीं करें क्योंकि बहुत लोगों की बॉडी अलाउ नहीं करती, उनको चक्कर आ जाते हैं। आप वर्कआउट से 1-1.5 घंटा पहले कोई भी फ्रूट इनटेक कर सकते हैं। मैं आपको वैसे ही सबसे ज्यादा रेफर करूंगी कि आप बनाना इनटेक करें क्योंकि गुड कार्ब्स होंगे, आपको एनर्जी बनी रहेगी, और वर्कआउट से 15 मिनट पहले आप ब्लैक कॉफी जरूर इनटेक करें जिससे कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा और आपको काफी अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे, इंटेंस वर्कआउट भी कर पाएंगे और टायर्डनेस आपको कम होगी, ठीक है। आफ्टर वर्कआउट आप अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर इनटेक करें, घर पे बहुत सारी चीजें हैं प्रोटीन की, उनको इनटेक करें, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस तरीके से हैंड्स को आपने अपसाइड लेके जाना है और अपने ब्रेस्ट के फ्रंट में दोबारा से लेकर आना है क्रॉस, ठीक है, 20 times 4 sets। रिलैक्स।
रिलैक्स तो यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइज आई होप कि आपको मेरा ये प्यारा सा वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया या नहीं जल्दी से बता भी दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा अच्छा फील हो। और अगर एक्सरसाइजेस इतनी ही पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कर दिया करें। मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।